formulae for the trigonometric ratio of sum and differences of two angles. First formula, sine a plus b. Sine a plus b equal to sine a cos b plus cos a into sine b. Okay, sine a plus b equal to sin a cos b plus cos a into sin b. Sin a minus b equal to sin a cos b minus cos a into sin b. Okay. Cos a plus b. Cos a into cos b minus sin a into sin b. Cos a minus b equal to cos a into cos b plus sin a into sin b. Okay. tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Okay. Tan a minus b equal to tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b. Okay. Sin a plus b into sin a minus b. इन दोनों का इंटू बनने पर. ओके. दोनों का हम इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मिलेगा. ओके. साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी. कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर. cos a plus b into cos a minus b equal to cos square a minus sin square. Okay. Next, cot a plus b. Cot a plus b, cot a into cot b minus 1 upon cot a plus cot b. Cot a minus b. Cot a into cot b plus 1 upon cot b minus. ओके. फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म द प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंसेस. फॉर्मूले प्रोडक्ट को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सम में कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर डिफरेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं. टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. हमें कभी ऐसी जरूरत पड़ती है कि इंटू को हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ता है, सम में कन्वर्ट करना पड़ता है. इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी. टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. टू कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. टू कॉस ए कॉस बी cos a plus b plus cos a minus b. 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b. Okay. 2 sin a sin b cos a minus b minus cos a plus b. Okay. तो इन चार फार्मूले से प्रोडक्ट से हमने सम या डिफरेंस में क्या किया, कन्वर्ट किया. अब नाउ नेक्स्ट फार्मूले टू ट्रांसफॉर्म द सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट. ये फार्मूले हैं जो सम को या डिफरेंस को किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं. साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू टू साइन सी प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन टू. साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2. cos c plus cos d equal to 2 cos c plus d upon 2 into cos c minus d upon 2. cos c minus cos d equal to minus 2 sin c plus d upon 2 into sin c minus d upon 2. इस लास्ट वाले फार्मूले को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है.
इसमें माइनस लग जाता है, कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू माइनस टू साइन सी प्लस डी अपॉन टू इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन टू। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ मल्टीपल ऑफ एन एंगल साइन टू ए, टू साइन ए कॉस ए होता है या फिर साइन टू ए इक्वल टू होता है टू टेन ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। इस वाले फार्मूले से हमें एक फार्मूला भी इंप्लाई होता है साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू वन बाई टू साइन टू ए। हमें जरूरत पड़ने पर साइन ए इंटू कॉस ए को हम वन बाई टू साइन टू ए लिख सकते हैं इस वाले फार्मूले से। ओके नाउ सेकंड, कॉस टू ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है या फिर कॉस टू ए का दूसरा फार्मूला होता है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए या फिर कॉस टू ए इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। ये चार फार्मूले होते हैं कॉस टू ए के। कॉस टू ए पहला फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को हम कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट कर लेंगे तो दूसरा फार्मूला आ जाएगा टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करेंगे तो हमें तीसरा फार्मूला मिलेगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर और फोर्थ फार्मूला कॉस टू ए इक्वल टू वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर। इस दूसरे वाले फार्मूले से ओके ये दूसरा वाले फार्मूले से हमें ए मिलता है। देखो कॉस टू ए इक्वल टू क्या है टू कॉस स्क्वायर माइनस वन है तो हमें इससे मिलता है वन प्लस कॉस टू ए, वन प्लस कॉस टू ए इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉस टू ए अपॉन टू। ओके इस तीसरे वाले फार्मूले से हमें जानकारी मिलती है वन माइनस कॉस टू ए इक्वल टू टू साइन स्क्वायर इस वाले फार्मूले से। ओके टू साइन स्क्वायर को हम इस तरफ लेंगे ट्रांसफॉर्म किया गया तो बन जाएगा वन माइनस कॉस टू ए इक्वल टू टू साइन स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए अपॉन। यदि हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो हमें एक फार्मूला मिलेगा टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए। ओके टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए। ओके टेन स्क्वायर ए क्या होगा वन माइनस कॉस टू ए अपॉन वन प्लस कॉस टू ए होगा। साइन थ्री ए इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। ओके साइन थ्री ए को हम क्या लिख सकते हैं थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए। इस फार्मूले से ये फार्मूला बना फोर साइन क्यूब ए इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस साइन क्यूब। ओके कॉस थ्री ए, कॉस थ्री ए इक्वल टू होता है फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस। ओके कॉस थ्री ए इक्वल टू फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। टेन थ्री ए इक्वल टू थ्री टेन ए माइनस टेन क्यूब ए अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर। ओके टेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होल अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। कॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी माइनस कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी होल अपॉन कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कॉट सी इंटू कॉट ए माइनस वन। ओके तो अपना पहला फार्मूला है साइन थ्री ए इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर साइन थ्री। अब जरूरत पड़ने पर हम इसको इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं फोर साइन क्यूब ए इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस साइन थ्री ए। ओके या फिर साइन क्यूब ए, साइन क्यूब ए इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर माइनस साइन थ्री ए अपॉन फोर। साइन क्यूब ए क्या हो सकता है हो सकता है अपना ठीक है साइन क्यूब ए को हम लिख सकते हैं थ्री साइन ए
माइनस साइन थ्री ए अपॉन फोर। मेन फार्मूला ये है अपना, क्या है मेन फार्मूला, इसी से ये दोनों फार्मूले बने। फिर कॉस थ्री ए इक्वल टू फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फोर कॉस क्यूब ए इक्वल टू थ्री कॉस ए प्लस कॉस थ्री, या फिर कॉस क्यूब ए इक्वल टू थ्री कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए अपॉन फोर। जरूरत पड़ने पर इंटीग्रेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। ओके, कॉस क्यूब ए का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसको पहले ऐसा लिखा जाता है फिर इंटीग्रेशन किया जाता है, तो जो इस फार्मूले से बना हुआ है। ठीक है, अंडरस्टूड? आपको पता है कॉस थ्री ए कितना होता है, फोर फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए। अब हम थ्री कॉस ए को उस तरफ ले गए तो थ्री कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर कॉस क्यूब ए, या फिर कॉस क्यूब ए इक्वल टू थ्री कॉस ए प्लस कॉस थ्री ए अपॉन फोर होगा। ओके ओके, कुछ एग्जाम्पल्स द्वारा इन फार्मूलों को हम समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, साइन 15 डिग्री, कॉस 105 डिग्री, कॉस 15 डिग्री। साइन 75 डिग्री हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 75 को 45 प्लस है, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। अगर हम 45 को ए ले लें, 30 डिग्री को बी ले लें और इस फार्मूले का यूज करें, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ए। ओके, तो ए की जगह हमने क्या रखा, 45 डिग्री रखा, बी की जगह क्या रखा, 30 डिग्री रखा, तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू साइन ए की जगह क्या रखा 45 डिग्री, बी की जगह क्या रखा 30 डिग्री, फिर ए की जगह यहां पर हम क्या रखेंगे, देखो यहां पर आएगा कॉस, ओके कॉस ए, तो कॉस 45 डिग्री और यहां पर क्या आएगा साइन। ए की जगह हमने 45 रखा, बी की जगह क्या रखा 30 डिग्री रखा। अब साइन 45 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होती है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू रूट 3 अपॉन 2 होती है। ओके, कॉस 45 की डिग्री कितनी होती है 1 अपॉन रूट 2 होती है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 बाय 2 होती है। ओके, ये क्या हो जाएगा रूट 3 अपॉन 2 रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2। एलसीएम ले रहे हम तो 2 रूट 2 आएगा, ये रूट 3 प्लस का। ओके, तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगी। ओके, तो हमने इस फॉर्मूले का यूज करके साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस फॉर्मूले का यूज करके हमने साइन 75 डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हमें साइन 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसको हम साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं 45 डिग्री माइनस 30। ओके, अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन ए, तो ए की जगह हम क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे और बी की जगह क्या रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे, तो 45 माइनस 30, इस ए की जगह 45 डिग्री रखा, बी की जगह 30 डिग्री रखा, ए की जगह 45 डिग्री रखा, बी की जगह 30 डिग्री रखा, ये 45 माइनस 30 15 हो जाएगा, तो साइन 15 डिग्री, साइन 45 डिग्री 1 अपॉन रूट 2 होता है, कॉस 30 रूट 3 बाई 2 होता है, कॉस 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 30 1 बाई 2। ओके, एलसीएम क्या आएगा 2 रूट 2 आएगा, तो दिस इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2 हो जाएगा। ओके, नाउ थर्ड, ओके थर्ड में हमें कॉस 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब 105 डिग्री को हम फिर 60 प्लस 45 लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 60 प्लस 45। ओके, तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी होता है। ए की जगह हम क्या लिखेंगे 60 डिग्री लिखेंगे, बी की जगह हम क्या लिखेंगे 45 डिग्री, 60 ये 45, 60 ये 45। ओके,
60 प्लस 45 105, सो cos 105 डिग्री। ओके, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। sin 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। sin 45 1/√2। ओके, दिस इज 1/√2 माइनस √3/2। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस √3/√2, इसकी वैल्यू है cos 105 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इस फार्मूले की सहायता से हमने, इस फार्मूले की सहायता से, ये फार्मूले से पहले हमने पढ़े हैं उन इन फार्मूलों की सहायता से। अब cos 15 डिग्री, 15 डिग्री को हम 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं और 45 माइनस 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 60 माइनस 45 डिग्री का यूज कर रहे हैं। ओके, तो cos a माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। अब a की जगह हम क्या रखेंगे, 60 डिग्री रखेंगे, b की जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे। a की जगह 60, b की जगह 45, a की जगह 60, b की जगह 45। ओके, अब cos 60 1/2 होता है, cos 45 डिग्री 1/√2 होता है, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, sin 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ओके, दिस इज cos 15 इक्वल टू 1/√2 प्लस √3/2। सो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस √3/√2, ये किसकी वैल्यू होगी, cos 15 की वैल्यू होगी। यहाँ पर हमने इस वाले फार्मूले का यूज किया। ओके, इस वन फार्मूला cos a माइनस b इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b। ओके, द वैल्यू ऑफ 10 15 डिग्री सेकंड tan 75 डिग्री। ओके, tan 15 डिग्री इक्वल टू tan 15 डिग्री को हम 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, नाउ यूजिंग द फार्मूला tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan a। ओके, तो यहाँ पर a की जगह हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, b की जगह 30 डिग्री। सो दिस इज tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू माइनस 1/√3 होती है। ओके, ये वैल्यू रख दी गई। अब इनका एलसीएम लिया कि √3 एलसीएम आएगा √3 माइनस 1, सिमिलरली √3 प्लस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ओके, tan 15 डिग्री इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। अब यदि हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो रेशनलाइजेशन करने पर हमें इसकी दूसरी वैल्यू मिलेगी। रेशनलाइजेशन हम कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर √3 प्लस 1 है तो √3 माइनस 1 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें tan 15 डिग्री की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 माइनस √3 मिलेगी। तो tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो 2 माइनस √3 होती है, या फिर √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। नाउ tan 75 डिग्री, 75 डिग्री को 75 को हम 45 प्लस 30 लिख सकते हैं। ओके, सो यूजिंग द फार्मूला tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसमें हम a की जगह क्या रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, b की जगह 30 डिग्री रखेंगे, तो वो रख दी गई थी ना, a की जगह 45 डिग्री रखा गया, b की जगह 30 डिग्री रखा गया। ओके, अब tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो वैल्यू लग दी गई, एलसीएम लिया गया
ओके तो 1075 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन होगी। और जब हम इसका रेशनलाइजेशन करके उसे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस रूट थ्री भी एक आंसर आएगा, उसका क्या आएगा 2 प्लस रूट थ्री। तो 1075 डिग्री इक्वल टू होता है रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री माइनस वन या फिर 2 प्लस रूट थ्री। हमने इस फार्मूले का यूज करके टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इस फार्मूले का यूज करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसी तरह टेन ए माइनस बी फार्मूले का यूज करके टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, इस वाले फार्मूला का यूज करके हमने टेन फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू को क्या किया फाइंड आउट किया। ओके टेन फिफ्टीन डिग्री की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब सपोज करो हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। ओके तो देखो हमें पता है कि साइन 2a कितना होता है, साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a कॉस a, ये फार्मूला है अपना साइन 2a का। तो साइन a इंटू कॉस a कितना हो जाएगा 1 बाय 2 साइन 2a। नाउ पुट a इक्वल टू 15 डिग्री पुट कर दिया जाए तो दिस वन इज साइन 15 डिग्री, दिस इज कॉस 15 डिग्री इक्वल टू 1 बाय 2 साइन 2 इंटू 15 डिग्री, दिस इज 1 बाय 2 साइन 30 डिग्री। ओके अब 1 बाय 2 इंटू 1 बाय 2 तो क्या आ जाएगा 1 बाय 4 अपना इसकी वैल्यू हो जाएगी, साइन 15 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 बाय 4। यहां पर हमने इस फार्मूले का क्या किया साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। नाउ नेक्स्ट सेकंड देखे हैं, सपोज करो हमें 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 इसकी वैल्यू को क्या करना है फाइंड आउट करना है। ओके 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 15 डिग्री माइनस 1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमें एक फार्मूला पता है कॉस 2a इक्वल टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 ये होता है, कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1 होता है। अब a इक्वल टू क्या रखते हैं 15 डिग्री रखते हैं है ना, a इक्वल टू 15 डिग्री रखते हैं दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा कॉस 2 इंटू 15 डिग्री इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1, तो 2 कॉस स्क्वायर 15 डिग्री माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस 30 डिग्री हो जाएगी। अब कॉस 30 कितना होता है रूट थ्री अपॉन 2 होता है, कॉस 30 डिग्री कितना होता है रूट थ्री अपॉन 2 होता है। ओके कॉस 30 डिग्री होता है रूट थ्री अपॉन 2। ओके अंडरस्टूड। तो यहां पर हमने ये फार्मूला यूज किया कॉस 2a इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ओके अंडरस्टूड। अब नाउ सपोज करो हमें फाइंड आउट करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर a इक्वल टू क्या ले लेंगे 22.5 डिग्री ले लेंगे a इक्वल टू, वो इस फार्मूले का यूज करेंगे कौन सा फार्मूला cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, इस फार्मूले का यूज किया जा सकता है। ओके cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अपना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a cos 2a लिख सकते हैं। ओके लिख सकते हैं लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसा ले लेंगे इसको डायरेक्ट वैल्यू ले लेंगे दिस इज 22.5 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा cos
2 × 22.5 degree. So this is cos 45 degree. cos 45 degree की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2 होती है. ठीक है, तो cos 2 = 1 − 2 sin² फॉर्मूले का यूज करके हम इसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर cos 2 = 2 cos² − 1. ओके, sin 2 = 2 sin a, cos a. ओके, इस तरह से इन फार्मूलों का यूज करके हमें वैल्यू को क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं.